ना करें करें ना, अनुमति बताओ तब तुम जो भी, आपको क्या मतलब नहीं, अब तुम जो भी अनुमति लेनी पड़ेगी कि करें नहीं करें। अब महंगाई के खिलाफ एक ऐसी अकेली पार्टी कांग्रेस है जो मुद्दे उठा रही, कम से कम उठा तो रही है, और तो सारा विपक्ष सोगा, तो अच्छी बात है, जनता की परेशानी समस्या उठाने का हमारा काम है, उठाएंगे। लेकिन लगता नहीं सरकार पे कोई फर्क पड़ता आप लोगों? अब एक बात बताओ, जो तानाशाह हो उन पर फर्क नहीं पड़ता, जो सरकार होगा उस पर तो पड़ा है, लेकिन जो तानाशाह हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। अभी ये इनकी मर्जी कि अपने आप को तानाशाह बतावेंगे या सरकार बतावेंगे। महंगाई मुक्त कैसे होगा भारत? कैसे होगा मुक्त? जैसे एक जमाने में बीजेपी मुक्त भारत था, ऐसे महंगाई मुक्त भी होगा, बीजेपी मुक्त भी होगा। तो कांग्रेस मुक्त? अरे वो 5 किलो राशन में हमारे बच्चे 5 किलो में पड़ेंगे, मेरे घर में नहीं पहुंचा। सुनिए मेरी बात पत्रकार महोदय, वह 5 किलो राशन में किस मंत्री का बच्चा पढ़ रहा, वह 5 किलो गेहूं में किस मंत्री का बच्चा पढ़ रहा, किसी का नहीं। यू आम जनता को राशन दे करके कितनी महंगाई, कितना आप जोड़ घटा करो ना, 15-75 रुपए का गेहूं ठीक, और 135 रुपए का वो झोला चापे तो मुँह छप रहे जिन्हें ना चाहते हो, भी जनता देख रही है, समझो आप बात को। अच्छा 950 रुपया में, जब 400 रुपए में सिलेंडर था, जब तो महंगा लगा था उनके नेताओं को, चाहे था उसमें बैंक में जमा करने के लिए, अब महंगी चीज तो महंगी लगेगी नहीं। अब तुमने उज्ज्वला करवा दी है ठीक, अब 900-1000 के गांव में कौन लेगा, गरीब आदमी कैसे लेगा, 200 रुपए किलो हो रहा होगा तेल रिफाइंड जो आयु, कौन लेगा? 1 किलो पैकेट देते हैं एक परिवार को एक महीने में, तो 1 किलो रिफाइंड में एक परिवार का गुजारा चल जाएगा, बताओ। अच्छा जो ये करे तो राष्ट्रीय, मतलब इनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, वाह ये कौन सी बात हुई भाई, लगातार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है। हाँ तो यही समस्या है ना, यही वाली बात उन्हें बताओ ना जाकर के, कि कैसे डीजल के ट्रैक्टर में कैसे डीजल डलेगा, कैसे खेत की जुताई होगी, और अब तो कटाई भी आ रही, गर्मी हो रही ठीक, कितनी महंगाई बढ़ रही, ऊपर से कटाई तो मार हो गई, और एक महिला वो किसान थी, उन कटाई आ गई, गेहूं कटेंगे हमारे भी थारे भी सबके, तो उस किसान को ढूंढना चाह रहे, जो महिला किसान थी हेलीकॉप्टर में आई थी गेहूं काटने, बिल्कुल ढूंढना चाह रहे, आज हमें कटाई आ गई है, संसद में मिलती नहीं, हमें तो जान ही नहीं देते, कह रहे बस ये संसद जो है उन्हीं के लिए, हमें जान ही नहीं देते, हमें थोड़ी पता ही कि वो संसद इतने बड़े बड़े लोगों का ही रहेगा, जो आम जनता के लिए वहाँ कोई इज्जत सम्मान नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है देश में, हम तो सारी उठा रहे, नू बताओ विपक्ष में एक कांग्रेस के सिवा कौन सी पार्टी है जो महंगाई बेरोजगारी और ये तुम्हारा बेटी का बलात्कार हो, जब बेटियों की आवाज कौन उठा रहा, आम जनता की आवाज कौन उठा रहा, पेपर लीक होगा वह कौन उठा रहा, सबसे पहले ट्वीट किसने करा, प्रियंका गांधी जी ने, अब बात को समझो, अरे आप नहीं समझ रहे हो बात को, अगर जनता अपनाती तो इतनी इतनी वीडियो वायरल नहीं होती बनारस में कानपुर में, अगर जनता वोट देती तो इस तरीके से वीडियो क्यों वायरल हुई, हमें तो वो बताओ वीडियो क्यों वायरल हुई, क्यों मजिस्ट्रेट सस्पेंड हुए, अगर वो वोट देती देखिये हमारी सरकार आएगी तो हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती, चुनाव खत्म हो गया, आज महंगाई का मुद्दा, इस मुद्दे पर बात करो, यही तो बात है, आप बैकवर्ड में चले जाते हो बात को, आप करंट करंट उस मुद्दे, हमें तो बताई, यही तो सरकार की मंशा है, अगर चुनाव इनको वोट लेनी ही, जब इन्होंने तुरंत डाउन कर दिया 19 दिन में 19 रुपए बढ़ाए इन्होंने ठीक, अब इनकी मंशा थी चुनाव लड़ने में, तो इन्होंने 2-3 रुपए कम कर दिए, लॉलीपॉप देने वाला काम कर दिया, उसके बाद अब जो है चुनाव हो गए खत्म, अब फिर महंगाई कर दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, 4 रुपए बढ़े हैं, अब 4-5 दिन में 4.5-5 रुपए 7 दिन में बढ़े, बताओ क्या कर लोगे, जनता वोट तो देती है मैडम, जनता अगर वोट देती तो वीडियो इनकी क्यों वायरल होती, क्यों ईवीएम की गाड़ी भर भर के आती है, अगर इन्हें वोट देती और उन्हें देख लो तो उन पर कार्रवाई हो जाए, मजिस्ट्रेट हो गए, और इन्होंने क्या घपला कर दिया, हो सके घपला करने के बाद लोग देख पाए हो, ईवीएम के लिए भी होगा, महंगाई के लिए भी होगा, बेरोजगारी के लिए भी होगा, हर चीज के लिए होगा, समस्या एक है देश में 10 समस्या, तो 10 समस्याओं को ताकत जो है उठाने वाली कांग्रेस में है, कि वो 10 समस्या उठा सकती है, किसमें गई किसमें गई, अरे कैसी बात करो, एक जमाने में ऐसा माहौल था पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी ठीक, अभी हमारे 2 राज्य में सरकार भी है, कार्यकर्ता भी है, क्या नहीं हमारा, अरे अरे पंजाब में, अगर ये पंजाब में भी अपनी सरकार बनाते, इन्होंने इसलिए नहीं बनाई ताकि जनता ज्यादा इनका विरोध करेगी, क्योंकि पंजाब में इनका सबसे ज्यादा विरोध, तो वो तो इनके दिमाग ने काम सही कर दिया, उनका अगर तुम पंजाब में भी बेईमान करके बनाओगे तो ये तो पूरी बात खुल जाएगी, बंडा खुल जाएगा, अब क्यों नहीं मचाती, ये बात है ना सोचने वाली, अब क्यों नहीं मचाती, अभी हम पास में ही है, हमें हम तो इस बार पता नहीं क्यों आई, बुलंद शहर से दिल्ली, मैं नुआई स्मृति ईरानी भी आऊंगी 2 शब्द बोलने के लिए, मैं तो इस बार आई, मैं भाई महंगाई के खिलाफ बोली, महिला बढ़िया महिला है, बढ़िया बोला कर रही थी,
रोज बैठती थी सिलेंडर कंधे पे रख के रोज नल झोंके कर रही ठीक है बैठी में जाकर के तो मैं तो महंगाई के लिए चार छह दस बीस महिला इकट्ठी करके वहीं कर लेती एक लाइव सर लेकिन नहीं मैं तो यहाँ देख रहा स्मृति ईरानी आवेंगे बोलेंगे नहीं बोलेंगे महंगाई के मंच पे कहाँ है कहीं भी ना तो अपनी महिला कांग्रेस का चल रहा हम तो सोच रहे वो महिला महंगाई के खिलाफ बोले आवेंगी सरकार से क्या मतलब है यू का समस्या देश में अरे तुम्हारी सरकार गलत कर रही तुम कैसे नहीं बोलते हो तुम्हारी सरकार में गलत हो रहा कैसे नहीं बोलते हो बोलना चाहिए अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे पानी की दिशा में आप बहोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा ना कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा आप विपरीत दिशा में बहोगे तो आपकी इज्जत होगी सम्मान होगा वही सम्मान बरकरार रहता स्मृति ईरानी कीजिएगा जब महंगाई हुई थी सिलेंडर ले लेकर लोग सड़कों पे थे कोरोना काल में किसी की दो रुपए की मदद नहीं करी स्मृति ईरानी एक ट्वीट करके कहती कि सरकार को सोचना इज्जत बढ़ जाती और क्या कम हो जाए मेहनत करके आएगी जैसा हमेशा सुहाई है क्यों मैंने अरे हमेशा से आई नहीं क्या अब क्या कौन सी दो बार लगातार भारतीय जनता पार्टी पहली बार आई है क्यों बताओ आ जाएगी अब क्या हमारी सरकार आएगी इंतजार करो थोड़ा तुम्हारे सारे नेता इधर उधर भाग रहे हैं अच्छा और के नेता इधर उधर भाग रहे हैं जो और नेता हमारी पार्टी में बढ़िया बढ़िया हमें उन्हें नहीं दिखा सकते आप यहाँ ये आए और वे आए इतने सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी इतने बढ़िया बढ़िया नेता हमें उन्हें तो नहीं दिखाते तुम भी इनकी तरह कर रहे हो कि वो छोड़ के चले गए जो छोड़ करके चला गया उसके दिल में उसके मन में राष्ट्रीय हित ही नहीं है छोड़ करके क्यों चला गया क्या है ये उसके अपने विचार है हो सकता है सोच रहा भाई इस पार्टी का भी कुछ नहीं है अभी मैं एमएलए भी ना बन पाऊँ और एमपी भी ना बन पाऊँ छोड़ के चला हमें महंगाई के खिलाफ थी और हमारी तो उसके भी खिलाफ है ईवीएम के भी क्या समझ रहे हैं आप ईवीएम की बात उठा रहे हम तो महंगाई की तो उठाएंगे बेरोजगार है उसके लिए भी मैं अपने पर्सनल विचार तो मैंने आपको बता दिया बता स्मृति ईरानी जो यहाँ देख रहे हैं कि महंगाई पे बोलेंगी दूसरी बात पेपर लीक होगा उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी का क्या क्या होगा उस सिस्टम को पेपर तो आप ही के अरे क्यों हो रहे हैं आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों लीक हो रहे कारण बताओ आपकी सरकार इतनी मजबूत इतने भयंकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर चीज पर कंट्रोल है चार महीने पहले यूपी टेट का होगा लीक ठीक उन बच्चों का भविष्य क्या है उन बच्चों का भविष्य बताओ ना जो पढ़ कर आए जिनमें उदासी हुई है पकोड़े बनाओ ना हाँ पकोड़े तले ओ वाह तेल तो 180 रुपए लीटर हो रहा है पकोड़े भी नहीं तले जा गए ये पानी में तले जाएंगे तेल तो 200 रुपए लीटर हो रहा है देखो लग रहा बोर्ड रिफाइंड 200 रुपए लीटर हो रहा है तो पकोड़े भी ना तले जा पर बीजेपी का तोड़ नहीं है आपके पास क्यों नहीं है तोड़ एक भी उनका बड़ा नेता या एक भी कार्यकर्ता किसी एक कांग्रेसी बच्चे से बात करके देख ले हमारे बड़े नेताओं हाईकमान को तो छोड़ दो नजर से नजर मिला के उनका बड़ा नेता किसी आम कार्यकर्ता से किसी से बात करके देख ले अगर उनकी हैसियत हो बात करने की तो बात है नहीं तो बात ना बात पूरे देश में सरकार बना रहे बात छोड़ तो कुछ भी कर ले ये तो सीखे सिखाई मुद्दा चले आ रहे संगी ये तो संगी जब संगी चले करे बच बच के साइड में कुछ चले करे इन्हें कोई देखना पसंद ना करे यू थोड़ी पता यू ऐसा नाच ले डूबेंगे ईवीएम की बात कर रहे हैं आप ईवीएम से तो आपकी भी सरकार बनी है किसकी आपके राजस्थान में सुनिए सुन लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम से सरकार बनती तब भी मैं बोलती हाँ जी ईवीएम को रोको मैं तब भी बोलती ये मेरे विचार है मैं एक बार मुझे दिख रहा है कोई चीज गलत है तो मैं ये नहीं कि मेरी सरकार आ गई तो मैं गलत को गलत कहना छोड़ दूं मैं पानी को कोल्ड ड्रिंक नहीं कहूंगी ठीक है मैं पानी को कोल्ड ड्रिंक नहीं कहूंगी मैं सरकार में आवाई मैं पार्टी में ओहो हारने की बौखलाहट तो उनसे पूछ के देखे जब 17 दिन में वहां गदर काटा प्रचार हमें 17 दिन करा वैसे 24 दिन चुनाव लड़े ठीक 17 दिन प्रचार करा बढ़िया तरीके से उनसे पूछ के देखे टेम्परेचर डाल करके उनका बुखार भी 104 आ गया जो वहाँ के कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के उनसे पूछ के देखे हालत कितनी खराब कर दी हमने उनकी हालत आपकी खराब कर रही है नहीं अगर हमारी हालत खराब लगती जैसे उड़द पे सफेदी बराबर धूल ना मार पे जैसे पहले थे आज भी ऐसे गजेंद्र भाई ईमानदार से एक बात बताओ गजेंद्र भाई भाई जी मैं तो उनके मैं तो 17 दिन में उसका भी धन्यवाद दूंगी नहीं नहीं रुको सुनो मैं तो उसके लिए भी धन्यवाद दूंगी किराए पे कमरा नहीं मिलता सियाने में किसी को मुझे 2914 वोट मिली अरे किराए पे कमरा नहीं मिलता और क्या चाहिए और क्या चाहिए किराए पे कमरा नहीं मिलता इतने दिन में और मुझे वहाँ की महिलाओं ने इतना प्यार करा इतने सम्मान दिया पहले चुनाव जिताया बाद में पहले मैं जीत गई बाद में चुनाव लड़ाया जनता ने समझ में ये जीत हर किसी के नसीब नहीं होती है समझ रहे हैं आप गजेंद्र भाई ईमानदार से तैयारी हो रही है क्या पूरे देश में तैयारी करने का मन है मेरा तो पहले भी है मेरे तो पहले भी है पूरे देश में तैयारी करवाने को